डियर स्टूडेंट्स, मैं विकास दवाड़े अपने चैनल एकमे एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। गाइस, हम लोग एग्रीकल्चर क्लास 12 में एनिमल हस्बेंड्री की क्लासेस ले रहे हैं, है ना। और हमने स्टार्ट किया था फिश फार्मिंग मैनेजमेंट से। फिश फार्मिंग मैनेजमेंट के ये तीसरा पार्ट है, और मैं इससे पहले आपको बता चुका हूँ कि फिश फार्मिंग मैनेजमेंट होता क्या है और उसके लिए हम तालाब का निर्माण किस प्रकार करते हैं, ठीक है। आज हम बात करेंगे कि फिश के लिए जो फूड होता है वो किस प्रकार से तैयार किया जाता है ना। तो आज हम बात करेंगे मत्स्य आहार या फिश फीड की। तो एक शब्द आपको मैं बता दूं, फूड और फीड में क्या डिफरेंस है। तो जब भी हम ह्यूमंस के खाने की बात करेंगे, ह्यूमंस के भोजन की बात करेंगे, तो उसे हम कहेंगे फूड। लेकिन अगर हम किसी एनिमल को खाना दे रहे हैं तो उसे हम कहते हैं फीड, ठीक है। ये छोटा सा अंतर है, याद रखना। बात करेंगे हम कि हमारे जितने भी वैज्ञानिक लोग हैं उन्होंने अपने विशेष परीक्षणों के आधार पर पता लगाया है कि अलग अलग किस्म की मछली को अलग अलग प्रकार का भोजन चाहिए होता है। सभी मछलियों को एक प्रकार का भोजन नहीं दिया जा सकता, उन्हें अलग अलग टाइप का चाहिए। और भोजन में, जैसा कि आपको पता है कि हमारे भोजन में बहुत सारी चीजें अलग अलग होती है। एक संतुलित आहार की डेफिनेशन आप लोगों ने अपने लिए भी पढ़ी होगी, ह्यूमंस के लिए बचपन में, और एनिमल्स के लिए भी पढ़ी होगी। संतुलित आहार का मतलब क्या होता है, वह भोजन जिसमें कि प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और दूसरे प्रोटीन और दूसरे विटामिन और मिनरल्स प्रॉपर अमाउंट में अवेलेबल हो, उसे हम संतुलित आहार या बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। तो वही बैलेंस्ड डाइट सभी जीवों के लिए लागू होती है। इस दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं उन्हें अलग अलग मात्रा में प्रोटीन चाहिए, अलग अलग मात्रा में कार्बोहाइड्रेट चाहिए और अलग अलग मात्रा में उन्हें वसा चाहिए होती है। प्रोटीन और मिनरल्स जो होते हैं ये माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं, इनकी मात्रा बहुत कम आवश्यक होती है। हम बात करेंगे अलग अलग किस्मों की, यानी कि मछली की जो अलग अलग किस्में भारत में उगाई जाती है, भारत में लगाई जाती है या भारत में पाली जाती है, उन मछलियों को किस प्रकार का भोजन तैयार करके देना पड़ता है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले कतला, जो कि बहुत ज्यादा फेमस मछली है, इस कतला मछली जो है इसका साइंटिफिक नाम कतला कतला है, इसे प्रोटीन की जरूरत होगी 40 से 47%, है ना। अलग अलग स्टेजेस होती है लाइफ की, जैसा मैंने आपको बताया था फ्राई होती है ना, तो उसके बाद में जीरा अवस्था होती है, तो इन अलग अलग अवस्थाओं में, उसके बाद वयस्क अवस्था होती है। तो अलग अलग अवस्थाओं में अगर हम प्रोटीन की बात करें तो 40% से लेकर के 47% तक उसे प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। वहीं अगर फैट की बात करें तो इसे फैट थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है, तो इसे 6% तक फैट लगेगा। उसके बाद आता है फाइबर्स या रेसा। फाइबर्स को जनरली हम कार्बोहाइड्रेट में काउंट करते हैं, तो इसकी जरूरत पड़ेगी उसे 22 से लेकर के 26% तक। तो इतना हमें ये तालिका जो है ये हमें याद रखनी होगी, कतला मछली को 40 से 47% तक प्रोटीन, फैट जो होता है वो 6% तक, और 22 से 26% तक रेसा या फाइबर की जरूरत पड़ती है। उसके बाद में हम बात करते हैं दूसरी मछली जिसका नाम है रोहू मछली। रोहू फिश भी लगभग कतला जैसी ही होती है, लेकिन इसमें फैट कम होता है। अगर उसमें फैट कम है तो फैट की जरूरत भी कम पड़ेगी, है ना। तो इसे 40 से 45% तक प्रोटीन चाहिए होता है, इसे 4% तक वसा चाहिए। वसा कितनी चाहिए इसे, सिर्फ 4% तक, और फाइबर से चाहिए 26%, है ना। 26% से फाइबर की जरूरत पड़ती है। किसकी बात हुई, रोहू की, 40 से 45, 4% और 26%। उसके बाद में आती है ग्रॉस कार्प। भाई एक बात बता दूं आपको, कतला और रोहू जो है देसी मछलियां हैं, भारत की मछलियां हैं, लेकिन विदेशी मछलियों को हम लोग कार्प नाम से जानते हैं। कार्प शब्द आपके सामने आया, इसका मतलब ये मछलियां कैसी है, विदेशी प्रजाति की। तो ग्रास कार्प एक मछली होती है और दूसरी होती है कॉमन कार्प। आपने नाम सुना होगा, कॉमन कार्प मतलब साधारण मछली है, सब जगह मिलेगी आपको कॉमन कार्प। तो ग्रास कार्प जो है उसे 36 से लेकर 46% तक का प्रोटीन चाहिए होता है, इसे प्रोटीन कम चाहिए, ठीक है। फैट की बात करें तो फैट भी इसे कम चाहिए, लेकिन इन्हें फाइबर्स जो है वो ज्यादा चाहिए होते हैं अपने भोजन में। तो 36 से लेकर के 46% तक प्रोटीन, 4% तक फैट, और 26 से लेकर के 28% तक इन्हें कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ती है, ग्रास कॉर्प। उसके बाद बात करेंगे कॉमन कॉर्प। कॉमन कॉर्प में फैट थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए इसे 6% फैट की जरूरत पड़ेगी, 38% तक इसे प्रोटीन लगेगा। प्रोटीन कम चाहिए और फैट ज्यादा चाहिए।
और बात करें अगर हम फाइबर्स की, तो 22 से लेकर के 26% तक इसमें फाइबर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये तालिका आपको याद रखनी है, बहुत छोटी छोटी सी सिंपल सिंपल सी फिश है, चार फिश के नाम रखे हैं अपन ने, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बात करें एक संतुलित आहार या एक अच्छे आहार के गुण क्या होने चाहिए, है ना। वैज्ञानिक विधियों के द्वारा जब हम लोग पोषण प्रदान करते हैं, जब पुराने जमाने के लोग जो पोषण प्रदान कर रहे हैं, उससे क्या होता है 1000 से 2000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का लाभ होता था। लेकिन जब से हम लोगों ने वैज्ञानिक विधियों से आहार प्रदान करना चालू किया है, तब से हर हेक्टेयर पर हमें 3000 से लेकर के 5000 किलोग्राम तक का फायदा होने लगा है, ठीक है। तो बात करें आहार के गुणों की, तो किसी अच्छे आहार या आदर्श आहार में क्या क्या होना चाहिए, तो आदर्श आहार में सबसे अधिक मात्रा होनी चाहिए प्रोटीन की। क्यों भैया, प्रोटीन की मात्रा अधिक क्यों होनी चाहिए? एक बात हमेशा याद रखिए, जो भी प्रोटीन होता है वो हमारे शरीर का निर्माण करता है, चाहे वो ह्यूमंस की बात करें यानी इंसानों की बात करें, या दूसरे जानवरों की बात करें, चाहे वो मछलियों की बात करें। तो प्रोटीन जो होता है वो हमारे शरीर का निर्माण करता है, यानी कि हमारी मांसपेशियों का निर्माण करता है, और फिश में हमें तो उसकी मांसपेशियों से ही मतलब है। तो मांसपेशियों को ज्यादा डेवलप करने के लिए ज्यादा प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए आहार में प्रोटीन की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट देखें, दूसरा पॉइंट यह सस्ता होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सस्ता। अब बात करेंगे सस्ता मतलब ज्यादा ही सस्ता नहीं, आदर्श सस्ता, है ना। आदर्श आहार मतलब कम से कम खर्चे में हमें ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्व मिल सके, ठीक है। अब ये सस्ता क्यों होना चाहिए, हम महंगा क्यों नहीं खिला सकते, हमारी पाली हुई मछलियां हैं, हम तो उन्हें महंगा खिलाएंगे। अरे भैया, अगर हम उसे महंगा सामान खिलाएंगे तो मार्केट में बिक करके उस पर उसका जो उत्पादन होता है, उसका जो प्रोडक्शन होगा वो तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन जो अमाउंट हमें मिलेगा, जो पैसा हमें मिलेगा, वो पैसा लागत और पैसे के बीच का अंतर जो रहेगा वो कम हो जाएगा ना। हमें क्या करना है, लागत कम रखनी है और उत्पादन ज्यादा, तो ये जो बीच का अमाउंट होगा ये हमारा होगा ना, है ना। तो किसानों को ज्यादा फायदा कब होगा, जब अन्न सस्ता रहे, आहार सस्ता रहे, कम से कम खर्चा मछली पालन में आए, और जब मछली हम बिके तो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट हमें मिले। इसलिए हमें आहार किस प्रकार का रखना होगा, सस्ता रखना होगा। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यह स्थानीय हो तो बहुत अच्छा है ना। स्थानीय का मतलब क्या, अगर कोई सामान हमारे घर के पड़ोस वाली दुकान पर मिल रहा है तो वो हमें सस्ता पड़ेगा, इसकी बजाय अगर हमें इंदौर जाकर सामान खरीदकर लाना है तो क्या होगा, हमें हमारा वाहन करके जाना पड़ेगा, वहाँ के जो व्यापारी होंगे उन्हें हम जानते हो ना जानते हो, उससे हमें थोड़ा बहुत कुछ कंसेशन मिले ना मिले, हो सकता है कि वहाँ का सामान हमें महंगा पड़े, और जो गाड़ी हम लेकर जा रहे हैं और ला रहे हैं वापस, उसका खर्चा अलग। तो इस प्रकार अगर कोई वस्तु या कोई आहार सरलता से हमारे घर के पड़ोस में मिल रहा है तो उसके लिए हम इंदौर या खरगोन नहीं जाएंगे। ये बात आपको क्लियर हुई, समझ में आई बात आपको, कि स्थानीय सुगमता होना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी चीज के लिए। तो तीसरी पार्ट होती है कि भैया हमने सस्ता अनाज भी खरीद लिया, घर के पड़ोस में से भी खरीद लिया, लेकिन अगर वो सुपाच्य नहीं होगा, पचेगा नहीं मछलियों को, तो मछलियां जो होगी डेवलप नहीं हो पाएगी। इसलिए क्वालिटी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यह कोशिश करनी होगी कि वह जो खाना हम हमारी मछलियों को खिला रहे हैं वो उन्हें आसानी से पच जाए, और उसका जो लाभ है हमारी मछलियों को जल्दी मिले, और हमारी मछलियों का वेट जो है वो जल्दी गेन हो, ठीक है। ये बात हमारी समझ में आ गई कि फिश फीड में हमें क्या बात ध्यान रखनी है। फिश फीड में हमें यह ध्यान रखना है कि किस किस मछली को किस किस प्रकार के पोषकों की आवश्यकता होती है, उसके बाद में एक आदर्श आहार क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या है, ये भी हमें याद रखना है, ठीक है। उसके आगे बात करेंगे हम आहार के प्रकार, आहार कितने प्रकार का होता है। आहार साधारणतः तीन प्रकार का होता है ना। वैज्ञानिक विधियों के आधार पर आहार तीन प्रकार का होता है। पहला आहार जो है उसे हम कहते हैं शुद्ध आहार, है ना, शुद्ध आहार। ये नाम से कंफ्यूज मत हो जाना, शुद्ध आहार जो है वो शुद्ध बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यह सभी कृत्रिम पदार्थों से मिलकर बना हुआ है ना। मैंने आपको क्या बताया, एक बैलेंस डाइट में हमें क्या क्या चाहिए, एक बैलेंस डाइट में हमें चाहिए प्रोटीन, प्रोटीन बना होता है अमीनो एसिड से, ठीक
ठीक है। दूसरा होता है फैट यानी कि वसा, वो बना होता है फैटी एसिड्स और फैटी एसिड और क्या से बना रहता था? फैटी एसिड, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, ठीक है। और उसके बाद में तीसरा होता है आपका फाइबर से या रेसे या कार्बोहाइड्रेट, वो बनी होती है विभिन्न प्रकार की सुगर से, ठीक है। यदि इन सभी पदार्थों को हम लोग लेबोरेटरी में तैयार करते हैं तो उसे कहते हैं कृत्रिम भोजन, ठीक है, कृत्रिम पदार्थ। तो हमारे साइंटिस्ट क्या करते हैं, लैब में अलग अलग अमीनो एसिड्स तैयार करते हैं, उसका पाउडर मिक्स कर देते हैं, उसके बाद उसमें ही लैब में तैयार वसीय अम्ल मिलाते हैं और उसी में लैब में तैयार अलग अलग प्रकार की सुगर्स मिलाते हैं, प्रोटीन और मिनरल्स का भी एक बैलेंस डाइट तैयार कर देते हैं, ठीक है। मतलब वो जो गोलियां छोटी छोटी बनी हैं उसमें सारी चीजें हैं और सारी की सारी नपी तुली अवस्था में। नपी तुली होने की वजह से क्या होता है, मछली को ना तो ज्यादा मिलता है और ना कम मिलता है, याद रखिए बैलेंस मिलता है उसको, है ना, जो फूड रहेगा बैलेंस मिलता है, इसीलिए इसे हमने क्या नाम दिया है, शुद्ध आहार, ठीक है। तो सबसे अच्छा इसे माना जा सकता है, लेकिन शुद्ध शुद्ध नहीं है, ठीक है। जैसे शुद्ध घी की बात करें तो शुद्ध घी कौन सा होगा, जो हमें डायरेक्ट भैंस पालक जो होते हैं वहां से मिले, इसकी बजाय अगर हम कहीं से दूसरी जगह से खरीदते हैं तो वो हो सकता है मिलावटी हो, ठीक है, तो उसे शुद्ध नहीं मानते। शुद्ध आहार में क्या आएगा, शुद्ध आहार में पर्याप्त नपी तुली मात्रा में सभी पदार्थ मिलेंगे और वो कैसे होंगे, कृत्रिम रूप से संश्लेषित होंगे, इस बात का आप ध्यान रखें। दूसरा होता है अर्ध शुद्ध आहार, अर्ध शुद्ध आहार में भी सभी चीजें नपी तुली मात्रा में ही होंगे, लेकिन वो सभी होंगे प्राकृतिक संघटक, कैसे होंगे प्राकृतिक संघटक, मतलब अगर हमें अमीनो एसिड्स मिले तो वो भी कैसे होंगे, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होंगे, जैसे मछली का चूरा है ना, उसमें प्रोटीन मिलेगा आपको, उसके अलावा दूसरे जैसे कैल्शियम के लिए हमने चूना और दूसरी चीजें अगर मिला ली है तो वो कैसी होंगी, अर्ध शुद्ध आहार कहलाएगी। इसके बाद बात करें व्यवहारिक आहार की, व्यवहारिक आहार को अभी तक सबसे अच्छा आहार माना जाता है। व्यवहारिक आहार वह आहार होता है जो कि स्थानीय पदार्थों की सहायता से मिलाकर बनाया जाता है। स्थानीय पदार्थों से मिलने से क्या होगा कि जो मछली उस स्थान की है वो वहां के आसपास की चीजों को जानती है नेचुरली, तो उसे वही नेचुरल आहार प्रदान किया जाएगा तो उसकी जो ग्रोथ होगी वो अच्छे से होगी। इस प्रकार के आहार को हम व्यवहारिक आहार कहते हैं, यह व्यवहारिक आहार सबसे अच्छी प्रकृति का माना जाता है। तो हमने तीन प्रकार के आहार देखे, शुद्ध आहार, अर्ध शुद्ध आहार और प्राकृतिक आहार। अब हम बात करेंगे आहार बनाने की विधि क्या होती है, हम बात करते हैं आहार किस प्रकार तैयार किया जाए, है ना। हम लोग यहाँ पर जनरली 100 किलोग्राम आहार बनाने की बात कर रहे हैं, 100% लेने के लिए 100 किलोग्राम के हिसाब से देखेंगे। तो हमारे पास एक कंडीशन है कि हमारे पास दो फूड है, एक है मछली का चूरा और दूसरा है चावल की भूसी। अब हम सब जानते हैं मछली का चूरा जो है उसमें प्रोटीन ज्यादा होगा, तो मछली के चूरे में कितना प्रोटीन है हमें पता है, इसमें 60% के लगभग प्रोटीन है, ठीक है। और चावल की भूसी में हमें पता है कि इसमें सिर्फ 12% प्रोटीन है। अब हमें इन दोनों को मिलाकर एक ऐसा आहार तैयार करना है कि उसमें 25% तक प्रोटीन की मात्रा अवेलेबल हो। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, उसने ये कहा है कि आपके पास दो आहार हैं, एक मछली का चूरा उसमें 60% प्रोटीन अवेलेबल है, दूसरा चावल की भूसी है जिसमें 12% तक प्रोटीन है। इन दोनों को मिला करके हमें एक ऐसा आहार तैयार करना है जिसमें सिर्फ 25% हो, ठीक है। तो इसके लिए हमने एक विधि डेवलप की है जिसे कहते हैं चौकोर विधि, ठीक है। चौकोर विधि में क्या करते हैं, देखिए एक छोटा सा ऐसा बॉक्स बनाते हैं, इस बॉक्स में जितनी रिक्वायर्ड प्रोटीन की मात्रा है उसे हम बीच में रख देते हैं, ठीक है। तो हमने एक ऐसा बॉक्स बनाया और इस बॉक्स में हमें 25% की जरूरत थी, इसलिए 25 को हमने कहाँ रख दिया, बीचों बीच, ठीक है। ऊपर इस तरफ बाईं तरफ हम क्या करेंगे, इन दोनों को लिखेंगे, मछली का चूरा यहाँ पर रखा और उसकी परसेंटेज कितना है प्रोटीन का, 60% है, ठीक है। और चावल की भूसी की बात की तो यहाँ पर रखी और उसमें प्रोटीन की मात्रा जो है वो 12% है। अब क्या करेंगे हम, इस 60% में से 25 को घटा देंगे, है ना। इसमें हमें प्लस और माइनस का कोई ध्यान नहीं रखना है, सिंपल आपको घटाना है और नंबर लिख देना है,
उसमें इससे कोई मतलब नहीं है कि प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा। 60 में से 25 को घटाएंगे तो आएगा 35, ठीक है। तो 35 के आगे परसेंटेज लगा दो और जो आया आंसर कहाँ आया, 60 में से 25 को घटाएंगे तो 35 आया, कहाँ आया, 35 चावल के सामने आया ना, तो हमें 35% चावल की भूसी चाहिए। कितनी चाहिए, 35% चावल की भूसी, ठीक है। दूसरा, चावल कितना है, 12% प्रोटीन है ना इसमें, तो इस 25 में से 12 को घटा दो, है ना। 25 में से 12 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 13% आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, दोनों में से घटाता ही है, ठीक है, सिर्फ घटाना है। जो बीच में संख्या दे रखी है ना उसको यहाँ से या यहाँ से घटा देना है, और जो भी संख्या आएगी उसको माइनस माइनस कहीं नहीं लिखना है, सिंपल सा लिख दो। तो अगर हम 25 में से 12 घटाएंगे तो आ जाएगा 13, तो 13% हमें क्या चाहिए, मछली चाहिए। क्या चाहिए, मछली का चूरा 13%, और 35% क्या चाहिए हमें, चावल की भूसी चाहिए। अब इसका हमें परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो हम सब जानते हैं परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को मिलाकर दे रहे हैं हम, दोनों को मिलाकर दे रहे हैं ना, तो दोनों की जो मात्रा है उनको ऐड कर दो, कितनी हो गई 43, 13 प्लस 35, 13 धन 35 कितना हो गया, 48 हो गया। आप कैसे बोलोगे, आपके सर ये क्या कर दिया आपने, हमें समझ नहीं आया। तो आप लोगों ने परसेंटेज निकाले कभी अपने खुद के, आपके मार्क्स के परसेंटेज निकाले हैं। हम क्या करते हैं, आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, मान लीजिए आपके 5 सब्जेक्ट हैं, उनमें जितने मार्क्स आपके आए हैं, है ना, जितने आपके प्राप्तांक है उन सबको जोड़ करके पूर्णांक का भाग दे देते हैं, उसमें कर देते हैं गुणा 100 का। तो वही देखो, ये प्राप्तांक नंबर 1, ये प्राप्तांक नंबर 2, और ये कितना है, पूर्णांक है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले इस प्राप्तांक का परसेंटेज निकालना है, तो इस प्राप्तांक के अंदर पूर्णांक का भाग देंगे, तो 13/48 कर दिया, 13/48, और उसमें गुणा कर देंगे 100 का, तो हमारा परसेंटेज आ जाएगा 27.08%, 27.08% आ गया। वैसे ही यहाँ पर कर देंगे तो 35 में 48 का भाग देंगे और गुणा करेंगे 100 का, तो आंसर आ जाएगा 72%। हमें कितना लेना था, हमें फूड लेना था 100 किलोग्राम। तो ये देखो, इनको दोनों को जोड़ेंगे 27.08 को 72.92 में जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 100% आ जाएगा, है ना। इसलिए अब हमें इसे फूड के फॉर्म में निकालना है, तो मछली का चूरा हमें कितना लेना पड़ेगा, मछली का चूरा लेना पड़ेगा 13%, 27%, यानी कि मछली का चूरा हमें लेना पड़ेगा 27 किलो, ठीक है। मछली का चूरा हम कितना लेंगे, 27 किलो। और अगर हम चावल की भूसी की बात करें तो वो कितना लेना है हमें, वो लेना है हमें 72%, तो चावल की भूसी हमें 72.92% लेंगे, 92 को भी हम इसमें कर लेंगे तो हमें 73%, 73 किलो तक लेना पड़ेगा चावल का भूसा। इस प्रकार जो हमारा भोजन तैयार होगा तो उसमें 27 किलो मछली का चूरा और 73 किलो तक चावल की भूसी होगी। ऐसा ही एक और क्वेश्चन हम देखते हैं इधर। अगर मान लीजिए यहाँ पर तो हमें दो ही आहार दिए थे, लेकिन अगर हमें एक से ज्यादा आहार काउंट करने हों तो वो कैसे काउंट करेंगे, उसको कैसे ऐड करेंगे, तो उसको ऐड करने का भी यही तरीका है, सेम टू सेम मेथड है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, जो कि हमारे पास है, भगवान ने हमें बहुत सारा दे रखा है ना। तो क्या करना है, देखो ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में हमें इसके दो बनाने हैं। सबसे पहले उसने ये कहा कि आपके पास 4 चीजें हैं, चावल की भूसी के साथ में गेहूं का भूसा भी दे दिया हमने आपको, और मछली के चूरे के साथ में सोयाबीन भी दे दिया, तो आपको 4 पदार्थ दे दिए। तो हम इसको क्या करेंगे, 2 भागों में डिवाइड करेंगे, एक वो पार्ट जिसमें कि प्रोटीन ज्यादा है और एक वो पार्ट जिसमें कि प्रोटीन कम है। तो चावल का भूसा और गेहूं में प्रोटीन कम होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा, और सोयाबीन और मछली में प्रोटीन ज्यादा होगा कि नहीं होगा, होगा। तो हम क्या करेंगे, ये चोकर बॉक्स ऐसा कैसे यहाँ पर बनाया, और उसमें हमने दोनों चीजें यहाँ पर रखी, हमने मछली का चूरा जिसमें कि 60% प्रोटीन होता है, और सोयाबीन जिसमें कि 46% तक प्रोटीन होता है। मछली के चूरे में कितना होता है, 60%, और सोयाबीन में 46%। ये कंडीशन आपको दी रखी होगी परीक्षा में, यह परिस्थितियां आपको दे रखी होगी, ठीक है। तो इन दोनों का हम निकालेंगे एवरेज, क्या निकालेंगे, औसत, इन दोनों का औसत प्रोटीन कितना होना चाहिए। तो मछली और सोयाबीन का औसत यहाँ निकालते हैं, यहाँ देखिए आप लोग 60/46/2, ठीक है, 60/46/2, तो
कितना होगा, 104 हो जाएगा, 106 हो जाएगा, 106 बटे दो इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 53, आ गया 53 है ना। तो हमारा परसेंटेज प्रोटीन का कितना हो गया यहाँ पर 53 हो गया। वैसे ही अगर चावल के भूसे और गेहूं की बात करें तो चावल में 12% और गेहूं में 10% प्रोटीन है। 10 और 12 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 22, 22 बटे 2 का आ जाएगा 11। यहाँ तक बात समझ में आ गई, 11 और 53 आ गया ठीक है। अब यहाँ पर हमें कितनी रिक्वायरमेंट थी, 25% की रिक्वायरमेंट थी, 25% की रिक्वायरमेंट थी तो 25 में से 53 को माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, तो 53 में से 25 को घटा दो, 53 में से 25 को जब घटाएंगे तो आंसर आएगा आपका 28, क्या आएगा 28 आ गया, ये 28 आ गया। वैसे ही हम लोग 11 में से 25 को घटाएंगे तो आ जाएगा आंसर 14। मैंने कहा ना माइनस प्लस का ध्यान नहीं रखना है, ये मैथमेटिक्स और फिजिक्स नहीं है, ये तो हमारा एग्रीकल्चर है सिंपल सा ठीक है। तो क्या करना, 25 में से 11 घटाया 14 आ गए ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर एक ही सप्तेन थोड़ी ना था, हमारे पास दो सप्तेन थे तो 14 और 14 इन दोनों के लिए चाहिए, बराबर चाहिए इसके लिए भी, चावल के लिए भी 14 और गेहूं के लिए भी 14 दोनों के लिए एक हो गया, मछली के लिए भी 28 और सोयाबीन के लिए भी 28 दोनों को जब एड करेंगे तो आ जाएगा 42, क्या आ जाएगा 42। वैसे औसत निकाल लो, सबसे पहले मछली की बात करेंगे, मछली का चूरा, मछली का चूरा है ना, ये रहा मछली का चूरा, बात करेंगे मछली के चूरे की तो मछली के लिए कितना चाहिए हमें 14, टोटल कितना है 42 इंटू क्या करेंगे 100 निकाल लो। मछली की बात होगी, सोयाबीन की बात करो, सोयाबीन के लिए भी कितना चाहिए 14, ये रहा 14, टोटल कितना है 42 इंटू 100 निकाल लो। उसके बाद बात करेंगे चावल की है ना, तो चावल का आंसर कितना है 28 आया, 28 अपॉन 42 इंटू 100 निकाल लो। उसके बाद बात करेंगे गेहूं की, गेहूं कितना चाहिए 28 42 100। अगर टोटल जो निकलेगा उस टोटल को अगर हम काउंट करेंगे और ऐड करेंगे तो 100% आना चाहिए, 100% आ जाएगा तो आपका आंसर सही हो जाएगा। आई होप कि आप लोग इसे निकाल सकते हैं ठीक है।